क्या संजीव भट्ट की तरह समीर वानखेड़े भी जेल जाएंगे? कौन थे संजीव भट्ट जो समीर वानखेड़े से भी सख्त थे? रसूखदारों पे हाथ डालने वाले अधिकारी क्यों जाते हैं जेल? समीर वानखेड़े को जेल जाने से लगने लगा है डर। ये कहानी कितनी दिलचस्प है। कभी समीर वानखेड़े किसी रसूखदार का गला पकड़ते हैं, तो कभी किसी संजीव भट्ट पर पीएम मोदी से पंगा लेने का आरोप लगता है। समीर वानखेड़े को तो पूरा हिंदुस्तान जान गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कभी संजीव भट्ट ने मोदी से पंगा लिया था और उसके बाद उनका क्या हुआ? संजीव भट्ट की घटना ये साफ करेगी कि समीर वानखेड़े को जेल हो सकती है या नहीं। संजीव भट्ट, अशोक खेमका, आईपीएस अमिताभ ठाकुर जैसे न जाने कितने ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं, जो सिस्टम से टकराते हैं तो नेता या रसूखदार वक्त वक्त पे पलटवार करते हैं। अब कहानी को विस्तार से समझिए। हम आपको बताएंगे कि कौन है संजीव भट्ट जो कभी पीएम नरेंद्र मोदी से भी टकरा गए थे, कहाँ हैं वो आज और क्यों उनकी चर्चा नहीं होती, तो फिर समीर वानखेड़े क्या बच जाएंगे। महाराष्ट्र में फिलहाल शोर है कि समीर मुसलमान है। सरकार के मंत्रियों का आरोप है कि उन्होंने करप्शन भी किया। कोई उन्हें फरिश्ता कहता है तो कोई उन्हें मौका परस्त कहता है, कोई उन्हें सिंघम सर कहता है तो कोई उन्हें सबसे बड़ा करप्ट अधिकारी कहता है। लेकिन क्या ऐसा होता है जब अधिकारी कभी ऐसे व्यक्ति से उलझ जाते हैं जो उनके दायरे से ज्यादा बड़ा होता है, तो क्या उन्हें मुश्किल होती है? समीर वानखेड़े का केस समझने के लिए चलना होगा आज से 21 साल पहले गुजरात। संजीव भट्ट 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी। गुजरात का बच्चा बच्चा संजीव भट्ट को जानता है, लेकिन एक घटना ने संजीव भट्ट को दुनिया तक पहुंचा दिया। संजीव भट्ट इकलौते आईपीएस थे जिन्होंने गोधरा के लिए मोदी का नाम लिया था। आज जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और परिवार इंसाफ की मांग करता है। कहानी बिल्कुल वैसी ही है। संजीव भट्ट को मीडिया मोदी विरोधी बताती है। संजीव भट्ट कौन है ये आप जान गए, लेकिन आज आप उनके बारे में कितना जानना चाहते हैं? लोग ये तक बताते हैं कि कभी पीएम मोदी से टकराने के बाद संजीव भट्ट की जिंदगी में एक तूफान आया था जो वक्त के साथ साल 2011 में सुनामी में बदल गया। बाद में कई मामले सामने आए, लेकिन साल 1990 के एक मामले में वो ऐसे फंसे कि उन्हें उम्र कैद की सजा तक हो गई। संजीव भट्ट को आज कौन जानता है? ईमानदारी की पाठशाला की बात करने वाले भी संजीव को शायद ही याद करते हैं। तो क्या समीर वानखेड़े की कहानी ठीक संजीव भट्ट की तरह हो जाएगी? एक अधिकारी कैसे सिस्टम में घुन बन जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब समीर वानखेड़े के चारों तरफ खाई है। एक तरफ रसूखदारों की ताकत है, दूसरी तरफ दौलत का असर, तीसरी तरफ नवाब मलिक जैसे लोग और चौथी तरफ कौम की लड़ाई लड़ने वाले लोग। एनसीबी के 3 अधिकारियों की टीम मंगलवार को दिल्ली हेडक्वार्टर से मुंबई रवाना होगी। ये टीम समीर वानखेड़े पे लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगी। जाहिर तौर पर ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या समीर वानखेड़े का इस्तीफा लिया जाएगा, क्या समीर वानखेड़े को पद से निलंबित किया जाएगा, क्या समीर वानखेड़े को केस की जांच से हटाया जाएगा। समीर वानखेड़े की कहानी बस इतनी नहीं है, उनके नाम के सामने नवाब मलिक ने दाऊद भी जोड़ दिया है और धर्म के आगे मुस्लिम। दावा यहां तक किया जा रहा है कि सबसे बुरे इंसान फिलहाल समीर वानखेड़े ही हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई ईमानदार अधिकारी किसी रसूखदार पे हाथ डालता है। अगर विभाग साथ नहीं देगा तो समीर को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि देश का कानून अंधा है और कानून में दलीलें नहीं सिर्फ सबूत चलते हैं। इतिहास में कई उदाहरण हैं जब कई ईमानदार अधिकारियों ने किसी भी रसूखदार के गले पे हाथ रखा तब तब उससे परेशानी हुई। तो क्या समीर वानखेड़े बच जाएंगे? क्योंकि एक तरफ है दौलत का भार, दूसरी तरफ है ईमानदारी जो अकेले न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।